कुछ भी करते हैं ये लोग सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी का एक ही काम है कि विपक्ष जब सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछे तो उसका जवाब नहीं देना, उस पर बहानाबाजी करना। अभी हम लोग जब प्रश्न पूछते हैं कुछ भी लेकर के जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, तो उनको लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो जनता जो जो उन्होंने वादे किए विगत दो टर्म उनको दिया और ये तीसरा टर्म उनका शुरू हुआ है, तो जो दो टर्म में उन्होंने जो वादा किया था देश की जनता के साथ, और ख़ास तौर पे मैं बिहार से हूँ तो बिहार से उन्होंने वादा किया था कि जो बंद पड़ी चीनी मिले हैं उसको खुलवाएंगे और उसी की चीनी से चाय पियेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता को बताएंगे कि डायबिटीज़ हो गया है क्या, चीनी मिल खुलेगी कि नहीं खुलेगी और कब चाय पियेंगे, तो बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आप बिहार में देखिए, बिहार में 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लगी हैं, इस पे कोई जवाब नहीं देता है। तो ये सब बातें बोलने से प्रधानमंत्री जी को एक तो शोभा नहीं देता है, दूसरा ये बातें करने से बिहार की जनता को और देश की जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। बाइपोल है बिहार में, क्या माहौल है? देखिए सबको पता है कि देश में अलग अलग राज्यों में अभी सब जगह बाइपोल चल रहे हैं और सभी दल के नेता यही कह रहे होंगे कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन सिर्फ हम कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की जीत पूरे देश में जहां भी बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पे उनके उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस जो भी वादे करती है अपने शासित प्रदेशों में सब झूठ वादे करती है और किसी को भी वो फुलफिल नहीं कर पाती। देखिए बहुत सारे राज्यों के बारे में तो मैं इतना डिटेल मेरे पास नहीं है, अगर मतलब कहिएगा तो फिर पता करेंगे, फिर एक दिन उसके लिए रखा जाएगा। लेकिन बिहार के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि बिहार से हम आते हैं तो बिहार से इतनी संख्या में हमेशा जीत के सांसद जाते हैं और संसद में मैं भी बैठती हूँ वहाँ पे, आजकल देखती हूँ किसी का मुँह नहीं खुलता है बिहार के मुद्दे पे। अभी आप हाल फिलहाल एक देखे होंगे कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान, इतने सीनियर नेता, इतने अनुभवी नेता, और उनका इस तरह का बयान आता है कि मतलब राह चलते किसी को देखो तो उसको 100 चाटे मारो। अगर ये जो हम सुने हैं मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पे, अगर इस तरह का वो बयान देते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता है। उनको तो बात करनी चाहिए थी। आप बताइए कि हमारे यहाँ भागलपुर में कितनी संभावनाएं हैं, कपड़ा मंत्री है ना, कितना उस पे आप फैक्ट्री लगाने के लिए या बुनकरों के लिए क्या कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। हमारे आप चले जाइए मोतिहारी साइड में चले जाइए, वहाँ भी बहुत संभावनाएं हैं। तो पहले ये तो बताएं गिरिराज सिंह जी कि बिहार के लिए वो कर क्या रहे हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के रोजगार पैदा हो, बिहार में फैक्ट्रियाँ लगे, इस पे उनकी सरकार क्या कर रही है। झारखंड में सावंत ने जिस तरह से साइना एमसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, अभी एक महिला एमपी कैसे देखती है? देखिए बयान ना मैंने सुना है ना कुछ है, लेकिन आपके माध्यम से ये मुझे आ रहा है कि किसी भी, मैं बार बार पहले भी मैंने कहा था, आप इस तरह का जो आता है तो हम लोग यही कहते हैं कि देश की किसी भी दल की महिला हो, किसी वर्ग की हो, किसी समाज की हो, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसकी कड़ी निंदा हम करते हैं। झारखंड में चुनाव है और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों की सरकार महागठबंधन के बने, लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वह सिर्फ बोलते हैं, बोलने दीजिए उनको। मैं कह रही हूँ तो क्या प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं? प्रधानमंत्री भाषण में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम नहीं जीत रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। हर एक दल के नेता अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनके बारे में बताते हैं, वो क्या काम करने वाले हैं जनता के लिए वो बताते हैं, और चुनाव में तो जनता मालिक होती है, जनता को सोच विचार करना होगा कि एक तरफ जो प्रधानमंत्री जो 20 मतलब 15 वर्षों से जो उन्होंने 10 वर्ष देख लिए, ये तीसरा टर्म उनका 15 वर्ष चल रहा है, तो जो वादे किए थे उसमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए। वहीं तेजस्वी को अगर आप देख लीजिए तो उस झारखंड से क्या यूपी तक के लोगों को नौकरी यहाँ पे मिली, तो हम लोगों ने जो तेजस्वी ने जो वादा किया था जनता से चुनाव में कि हम सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, तो उसने करके देंगे 10 लाख, तो उसने करके दिखाया है, तो जनता में विश्वास है और इसका नतीजा बार बार हम यही कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग
जनता के मुद्दों के साथ चुनाव में है और जीत हमारी सुनिश्चित। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जो है नई पार्टी बनाई है उन्होंने। देखिए हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको अपना अधिकार है और चुनाव क्योंकि आने वाला है और आरसीपी सिंह जी जेडीयू से जुड़े रहे, फिर उन अब नहीं है, फिर भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल कराया गया था, तो इसका जवाब तो जो डबल इंजन की सरकार है और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस पे बोलना चाहिए था कि अभी तक वो चुप क्यों है आरसीपी सिंह जी पे। तो हम तो मतलब कह रहे हैं कि सबको अपना अधिकार है, अब जनता डिसाइड करेगी क्या करेंगे। जयंत पाटिल है शरद पवार के पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले 10 सालों से अजीत पवार पर को धमका रही थी, इरिगेशन स्कैम लेकर दबाव बना रही थी और यही कारण था कि वो बीजेपी के साथ। हम लोग हमेशा विपक्ष के जितने भी नेता हैं, आप देखिए कि जब से 14 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तब से विपक्ष के नेताओं को के प्रति उनकी किस तरह की रवैया रही, एलिगेशन लगाना, उनके पीछे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाना, डराना धमकाना। और आप मतलब अभी कोई मुझे लगता है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया जो उनके दल में शामिल हो गया, सिर्फ हमारे परिवार को छोड़ के, हमारे नेताओं को छोड़ करके जितने लोग हैं सब लोग आज शामिल हैं। तो ये तो देश की जनता को देखना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 5 गुना पेंशन बढ़ाकर देंगे, 4 सीटों पर उन्होंने भी जब ये तरह तरह के जब बीजेपी के साथ थे तब प्रधानमंत्री को राय काहे नहीं दिए थे, मुख्यमंत्री जेडीयू के साथ थे जब उनके लिए काम किया चुनाव में, तब काहे नहीं ये एक रखे थे, तब क्यों नहीं रखे थे, आज क्यों उनको याद आ रहा है। तो खुद का जब फायदा, जब आपको खुद को अपने कुछ करना हो तो आपको बिहार के बच्चों का भविष्य याद आता है, तो ये सब मुद्दे उसमें क्यों नहीं, चुनावी मुद्दों में ये सब क्यों नहीं शामिल किया था प्रशांत किशोर जी ने कि पढ़ाई जरूरी है, बिहार में फैक्ट्री लगना जरूरी है, अब चुनाव में जब आए हैं तब उनको याद आ रहा है कि आपका बच्चा पढ़ना चाहिए, तो काहे नहीं बीजेपी से प्रश्न पूछ रहे हैं जाके कि 20 साल से आप लोग थे, आप दोनों के लिए हम काम किए हैं जेडीयू के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, कितनी फैक्ट्री आपने 20 साल में लगाई है, जवाब तो प्रशांत किशोर को देना है। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी का एक मुद्दा है, शगुफा है, 4 राज्य में तो चुनाव नहीं करा पाए इस देश के प्रधानमंत्री, 4 राज्य में चुनाव होना था ना, और कैसे ये इतने राज्यों का देश में एक साथ वन इलेक्शन करा देंगे, तो जब 4 राज्य संभव नहीं है इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के नेता हैं जो शराब पीते भी हैं और बेचवाते भी, हमारे पास वीडियो फोटो सब है, सब जारी कर दे। अब इस पे क्या बोले, उनका बस अभी यही काम बचा है, बिहार के विकास का कोई मुद्दा नहीं है, अब इसी का वीडियो बनाते हैं, गली गली में घूम के लोग अपने ही नेताओं का वीडियो बनाते हैं। तो ये प्रश्न हम मतलब कहना कि प्रधानमंत्री को जाके बताना चाहिए कि बताइए हमारी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, पूरी तरह से संपूर्ण बैन लगा हुआ है, फिर भी लोग जहरीली शराब पी करके मर जा रहे हैं, आए दिन बिक रहा है, आए दिन थाने में अगर चले जाइए तो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ शराब ही के लोग बस दिन भर बैठ करके वहां पे यही कांड होता है कि आज पकड़े गए, आज थाने में गए, फिर छोड़े गए, तो ये सिचुएशन तो इस देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए क्योंकि सरकार में है बिहार में, और खास तौर पे मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।